ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगामी त्यौहार और शहर में बढ़ रहे भीड़ भाड़ को देखते हुए बृहस्पतिवार को एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम ने शहर के विभिन्न प्रमुख स्थानों पर वाहनों के पार्किंग के लिए जगह चिन्हित की गई। इस संबंध में एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अस्थायी तौर पर शहर के भीड़ भाड़ वाले प्रमुख स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था तैयार कराकर गोरखपुरवासियों को जाम की स्थिति से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से कटिबद्ध है। निरीक्षण के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गौरव सिंह सोगरवाल, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, सबसे पहले हम लोग आरएफसी वाले चलते हैं सर। आरएफसी वाला ये मेन टू जगह है कपूर, बिल्कुल शहर में है। अभी पूरा ये रहते हैं ना, पूरे पूरा पार्किंग यहाँ आ जाएगा। अच्छी जगह है ये भी। इसके अंदर ये रास्ता कैसे जो इधर ये कॉलोनी में है, प्राइवेट कॉलोनी है, प्राइवेट उधर निकल जाता है। कौन सा होटल है सर? पामा होटल। पामा होटल, पामा होटल, तार उतारा लगा। हाँ, वहाँ से कर, वहाँ से हो जाएगा। अरे यहाँ से हो जाएगा। दो गेट है इसको टारगेट करना है। यहाँ पे जो दुकानदारों गाड़ियाँ होती है, जो पब्लिक गाड़ियाँ होती है, सब खड़ी करी दुकानदारों के साथ। जो गाड़ियाँ खड़ी वो भी आओ यहाँ काम करो, वो भी करें। दुकानदार भी, दुकानदार भी करें, वो भी तो वो भी सड़क पर खड़ा करके हमारे। शाही मार्केट है ये वाला, उनको शाही मार्केट है। इसमें पूरी मार्केट भी आ जाता है। यहाँ पे दुकानदारों की भी काफी रहती है। ये लोग भी आ जाएंगे यहाँ पर, ठेकेदार मेंटेन करेगा ना। अभी तो शुरुआत में मैं समझता हूँ, लोकल के हिसाब से रिक्वेस्ट भेजो, कमरे को बनाओ, पैसा लोगों ड्यूटी लगा के, और जो भी वहाँ खड़ी है सबको इधर खड़ी। अभी तो जैसे ना, जब तक हम टेंडर करके ऑपरेट नहीं, हाँ जब तक नहीं करते तब तक मेरी गाड़ी करो। जैसे डी एम सर से बात हुई थी, कह रहे व्यापार मंडल वालों को कि इनकी खुद की पार्क गाड़ियाँ काफ़ी हैं, मेन मार्केट है ये, तो एटलीस्ट वो जब खड़ी करना चालू कर देंगे ना सर, ऑटोमेटिकली टू व्हीलर फोर व्हीलर की अलग कर देंगे। इधर से भी देख सकते हैं जरा, इसका लिस्ट तो बनाई रखी है ना अपने। हाँ, उसकी कॉपी ये सब भी तो फाइल करा दीजिए ना, इनमें से कोई भी हमको बता दें। हम लोग भी उधर से घूमेंगे तब आएंगे। हाँ, उधर घूमते हुए आएंगे। जी साहब, इसमें जो बोर्ड ऊपर लगे डीलर्स पे कि नगर निगम पार्किंग को दिख भी जाए उसी हाइट पे, और जेडे ने समाप्त कर दिया जमींदारी को, ना तो डीलर ऑफ वाइट को किसी टेनेंट को मिला, ना टेनेंट को मिला, ना इसलिए इसलिए गवर्नमेंट की सही है समझ। दो गेट है सर, दो गेट है सर। ऑफिशियल उधर से इसकी एंट्री कर देंगे, उधर से बैरिकेड कर देंगे, बैठा वहाँ तक बैरिकेड कर देंगे, ऑफिशियल सेक्शन अलग कर देंगे, अपनी लैंड फॉर्म सरकारी अलग, वो पेड़ से लेना पड़ेगा, पेड़ से कर दो बाकी इस्तेमाल। पॉकेट में
तुरंत बजे तीन बजे दूसरी बार सामने में देखा है तो तुरंत चल जाएगा। एक मिनट जो आपने यूनाइटेड के सामने दिखाया वो तुरंत चालू हो जाएगी। नॉर्मल कैंपस तुरंत चालू हो जाएगा। हाँ वो तो देखिए नॉर्मल का पता लग जाएगा। हाँ इनका कोई मतलब नहीं है, ऑब्जेक्शन में नहीं है। परमिशन भी होंगे तो डी एफ ओ से ले लूँगा, आप कोई उनकी ले लूँगा परमिशन। अच्छा अपना वो आप कर दें फेंसिंग जो मार्केट आए सर काफ़ी देख ली बात जब चाहेंगे तब इसको इसको इसी के लिए रखा गया था पार्किंग में। इसको कब्जा अपना ही है? नहीं कब्जा था बचपन से था इसको माननीय आयुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर के द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए वो सरकारी ज़मीनों का निरीक्षण कर लिया जाए। इसके लिए नगर आयुक्त साहब, मैं, सिटी मजिस्ट्रेट, जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब, एसपी ट्रैफिक साहब, ये सब राउंड पे निकले थे आरटीओ साहब को लेके। और हम लोगों ने कुछ स्थान चिन्हित किए हैं जहाँ पर नजूल की सरकारी भूमियाँ हैं, इनको ट्रैफिक के लिए, जाम को रोकने के लिए, एज ए पार्किंग इस्तेमाल डेवलप करने के लिए ही ये भ्रमण किया गया है। सर शहर की किन किन जगहों पे ये कई जगह हैं? आरपीएफ का सेंटर है, इसके अलावा बिस्मिल पार्क के बगल में है, डीआईएस ऑफिस के सामने है, कई ऐसे स्थानों को विजिट किया गया है जहाँ पर जगह है और वहाँ पर पार्किंग बनाई जा सकती है। सर कब से पार्किंग की व्यवस्था शुरू हो पाएगी? ये जल्दी से जल्दी कोशिश की जा रही है ताकि ये जाम की समस्या से गोरखपुर को निजात दिलाई जा सके। सर इसके लिए कोई शुल्क भी निर्धारित किया जाएगा? अभी तो जब पहले पार्किंग डेवलप हो जाए तो उसके हिसाब से फिर ठेके उठेंगे और वो पार्किंग चलाने वाले लोगों को तैनात किया जाएगा।